जल्दी हटाओ, हमें भी खाना ऑर्डर करना है। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, हाँ प्लीज इसे हटाओ, इसके कपड़ों से बदबू भी आ रही है, पता नहीं इसे कॉलेज में एडमिशन क्यों दे दिया। कॉलेज के स्टूडेंट्स जिसके लिए ये बात कर रहे थे वो था सनी। सनी चुपचाप उन्हें सुन रहा था। तभी तीसरा लड़का बोला, अरे बदबू नहीं, ये तो इसका स्पेशल परफ्यूम है, पता नहीं इसके इस परफ्यूम को इसकी गर्लफ्रेंड सोनाली कैसे झेलती होगी, कॉलेज का कचरा किंग सनी। इस बात पर भीड़ में से एक दूसरा लड़का चिल्ला कर बोला, अरे कॉलेज की इतनी हॉट लड़की इस लंगूर के जाल में कैसे फंस गई, अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी तो हमारे पास आ जाती। उसके इतना कहते ही वे सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। ये सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो अभी चुपचाप खड़ा था। असल में सनी एक गरीब अनाथ लड़का था जो मुंबई के बड़े से कॉलेज में स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ने आया था। वो रोज सुबह कैंटीन से दो वड़ा पाव खरीदता था, यही उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ था। कैंटीन में वड़ा पाव सुबह के वक्त ही मिलता था, लेकिन आज सनी लेट हो गया था, इसलिए वो कैंटीन की मालिक रोजी आंटी से दो रोटी या ब्रेड देने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि आज उसके पास कुछ और खाने के पैसे नहीं थे। तभी रोजी आंटी बोली, सनी मैं तुम्हें आखिर में कुछ खाना दे दूंगी, बदले में टेबल साफ कर देना, लेकिन अभी यहाँ से हट जाओ। रोजी आंटी की बात सुनकर पीछे से एक लड़की ने कहा, सनी बाद में क्यों, अभी तो मेरी गाड़ी साफ कर दे, खाना मैं खिला दूंगी तुझे। उस लड़की की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे और उसे चिढ़ाने के लिए जोर जोर से गाने लगे, कॉलेज का लूजर सनी पटीचर, कॉलेज का लूजर सनी पटीचर। इस तरह की बेइज्जती की सनी को आदत पड़ चुकी थी। उसे गुस्सा तो आता पर वो कुछ कर पाने की हालत में नहीं था। सनी जब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो भागकर सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। आईने के सामने खड़ा सनी अपने कपड़ों को देखते हुए बड़बड़ाया, क्या सच में मेरे कपड़ों से सोनाली को भी दिक्कत होती होगी। सोचते हुए सनी अपने चेहरे पर पानी मारने लगा, लेकिन फिर वो खुद से बोला, एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर अपनी सोनाली को एक बड़ी सी कार में घुमाऊंगा और शहर के सबसे महंगे शोरूम में शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। फिर मैं भी देखूंगा कौन मुझ पर और मेरी सोनाली पर उंगली उठाता है। सोचते हुए सनी ने मदद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड सोनाली को कॉल मिलाना चाहा, लेकिन फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए बोला, नहीं आखिर कब तक मैं सोनाली से मदद लेता रहूंगा, दिया तो आज तक कुछ नहीं है उसे। कहते हुए उसने मायूसी से फोन जेब में रख लिया और फिर खुद से बोला, जेब में पैसे नहीं होंगे तो हर रोज इसी तरह मेरी बेइज्जती होती रहेगी, अब सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं। कहते हुए सनी सीधे अपने एक कॉलेज के प्रोफेसर मनोहर माथुर के पास पहुंच गया। सनी ने उनके पास पहुंचकर अपनी आप बीती बताते हुए आखिर में कहा, सर प्लीज सर, जिस तरह रहने के लिए आपने कैंपस में कमरा दिलवा दिया, बस एक आखिरी एहसान और कर दीजिए, कोई काम दिला दीजिए। सनी की बात सुनकर प्रोफेसर माथुर थोड़े हिचकते हुए बोले, सनी एक काम तो है, पर अगर उस काम के बारे में अगर किसी को पता चला तो तुम्हारा मजाक बनकर रह जाएगा। इतना सुनते ही सनी तुरंत बोला, सर फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस काम चाहिए। ये सुनकर जब प्रोफेसर ने सनी को काम बताया तो सनी बुरी तरह चौंकते हुए बोला, क्या ये काम करना है, लेकिन ये काम दिन के समय, वो भी सबके सामने। जवाब में प्रोफेसर माथुर बोले, सनी तुम ये काम रात में सबसे छुपकर भी कर सकते हो। ये सुनकर सनी ने हां में सिर हिला दिया। इसके बाद सनी माथुर जी का बताया काम करने लगा। कई दिनों के बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि सनी करता क्या था। एक रात वो अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक उसे लाइब्रेरी की जमीन से एक कॉन्डम का खाली पैकेट पड़ा मिला। जैसे ही सनी उसे उठाने वाला था कि तभी वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। सनी ने खिड़की के अंदर देखा तो पाया अंदर उसी की क्लास में पढ़ने वाला रोनित और शीना एक दूसरे को किस कर रहे थे। एकाएक रोनित ने कहा, शीना आर यू श्योर यहां कोई नहीं आएगा। इस पर शीना ने कहा, रोनित बेबी डरो मत, हम दोनों कितनी बार चोरी छुपे लाइब्रेरी में आए हैं, आज तक किसी को पता चला क्या। शीना इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत और हॉट लड़की थी। वो हर महीने में अपना बॉयफ्रेंड बदलती थी और आजकल वो रोनित के साथ थी,
लेकिन कॉलेज का हर लड़का शीना की खूबसूरती पर मरता था। उन दोनों की बातें सुनकर सनी ने गहरी सांस ली और वहां से निकलकर लाइब्रेरी के आगे वाले हिस्से की तरफ जाने लगा। उसे पता था कि अब शीना और रौनित के बीच क्या होने वाला है। सनी खुद से बोला, जितनी जल्दी हो मैं यहां से निकल जाता हूं, अगर इन दोनों ने मुझे देख लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते हुए सनी जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से सामान नीचे गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर रौनित और शीना भी बाहर आ गए। जैसे ही उन दोनों ने सनी को वहां देखा तो रौनित गुस्से में बोला, अबे फटीचर, तू यहां क्या कर रहा है? दिखा मुझे तेरे बैग में क्या है। इस पर सनी ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं है इस बैग में, मुझे जाने दो, मैं तो अपने कमरे में जा रहा था। रौनित ने कहा, अच्छा बेटे, कमरे में जाने का रास्ता लाइब्रेरी से है? जरूर तू लाइब्रेरी से किताबें चोरी करके बाहर बेचता है, स्कॉलरशिप बंद हो गई तो चोरी करने लगा। सनी ने कहा, देखो मुझे चोर मत कहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। कहते हुए सनी रौनित से हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से शीना ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, सनी बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की, थोड़ा मुझसे भी बात कर लो, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। कहते हुए शीना ने सनी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका बैग छीन लिया। जैसे ही शीना ने सनी का बैग खोलकर देखा तो शीना और रौनित दोनों चौंक गए। शीना ने हैरानी भरी आवाज में कहा, तो ये है सनी तुम्हारा सच? ये करते हो तुम कॉलेज में रात को? अब तुम्हारी असलियत कल पूरे कॉलेज के सामने आएगी और फिर तुम इस कॉलेज से हमेशा के लिए बाहर। ये सुनकर सनी घबरा गया और बोला, नहीं शीना, प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे काम के बारे में किसी को मत बताना। इस पर शीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी असलियत किसी को ना बताऊं, तो तुम्हें अभी इसी वक्त मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। इस पर सनी घबराते हुए बोला, इच्छा? कैसी इच्छा? जवाब में शीना उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा सनी, चलो अपनी शर्ट उतारो। इतना कहकर शीना ने सनी के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सनी बुरी तरह चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो शीना, तुम मुझसे ऐसा काम कैसे करवा सकती हो? जवाब में शीना ने कहा, शर्ट उतारते हो या मैं? ये सुनकर सनी ने अपनी शर्ट उतारी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शीना ने जब रौनित को बताया कि वो सनी से क्या काम करवाना चाहती है तो रौनित ठहाके मारकर हंसने लगा। फिर रौनित ने चिल्लाते हुए कहा, अबे खड़ा ही रहेगा या काम शुरू करेगा? जल्दी से शीना का कहा मान और अपनी शर्ट से उसकी बाइक साफ कर। सनी शर्मिंदगी से सर झुकाकर शीना की महंगी बाइक साफ करने लगा। सनी को पता नहीं था कि रौनित ने चोरी से बाइक साफ करते सनी का वीडियो भी बना लिया है। तभी सनी बोला, आपकी बाइक साफ हो गई है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? अरे रुको भी, इतने अच्छे तरीके से बाइक साफ की है तुमने, अपना इनाम तो लेते जाओ। इतना कहकर शीना ने 500 रुपए के दो नोट अपने पर्स से निकाले और उन्हें किस करते हुए सनी के हाथ में रख दिए और फिर बोली, ये लो सनी, कल एनुअल फंक्शन पार्टी के लिए अपने लिए अच्छी सी शर्ट खरीद लेना। इतना कहकर वो रौनित के साथ वहां से निकल गई। इधर कॉलेज के गेट पर अचानक एक काले रंग की लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें बैठी बेहद खूबसूरत औरत निकलकर सीधे कॉलेज में जाने लगी। उसे देखते हुए रौनित के साथ खड़ा एक लड़का हैरानी से बोला, अबे देख क्या खूबसूरत लग रही है, लगता है नई प्रोफेसर है। हम लोगों का ठीक है, मगर ये रात में यहाँ क्या करने आई है? तभी रौनित भी हैरान होकर बोला, इतना मत सोच यार, बस दुआ कर ये ब्यूटी प्रोफेसर ही हो, अगर ये यहाँ रही तो रोज कॉलेज आने का मन करेगा। वो दोनों इस बात को सोचकर हंसी रहे थे कि वो औरत रौनित के पास जाते हुए बोली, हाय हैंसम, मुझे सनी से मिलना है, कहाँ मिलेगा वो? उसके मुंह से सनी का नाम सुनकर रौनित के साथ वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया। तब रौनित हकलाते हुए बोला, सनी तो जेंट्स वॉशरूम की तरफ गया है। इससे पहले रौनित आगे कुछ बोल पाता वो औरत अपनी जुल्फों को झटकाते हुए मुड़ी और गाना गुनगुनाते हुए जेंट्स वॉशरूम की तरफ जाने लगी। आओ हुजूर तुमको ला ला ला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग
हैरान रह गए। इधर वॉशरूम के अंदर खड़ा सनी अपने हालातों को कोस रहा था कि तभी अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत सी औरत को देखकर सनी चौंक गया। तभी आसपास मौजूद लड़के आपस में बात करते हुए बोले, अजीब औरत है, जेंट्स वॉशरूम में आते हुए शर्म भी नहीं आई इसे, वो भी इतनी रात को। कहते हुए वो सारे लड़के वहां से निकल गए। फिर वो औरत मुस्कुराते हुए सनी से बोली, ओ तो तुम हो सनी, जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। अपने सामने खड़ी उस औरत को देख सनी घबरा गया और हकलाती आवाज में बोला, कौन है आप और आपको मेरा नाम कैसे पता और आप जेंट्स टॉयलेट में कैसे चली आई? वो औरत हल्का सा मुस्कुराते हुए सनी के और नजदीक आई और बोली, इन सब बातों का वक्त नहीं है सनी, बस इतना समझ लो कि आज से तुम्हारी गरीबी खत्म। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम जिस चीज पर भी हाथ रख दो वो तुम्हारी होगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस औरत की बात सनी के सर से ऊपर निकल गई, लेकिन फिर उसके मुंह से निकला, कैसा काम? जवाब में उस औरत ने सनी को एक नजर ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक फाइल उसके हाथ में देते हुए कहा, काम तो इस फाइल में लिखा है सनी, अब हमारी अगली मुलाकात तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में होगी। सोनाली नाम सुनते ही सनी एकदम से चौंकते हुए बोला, सोनाली, उसके बारे में आपको कैसे पता और क्या है इस फाइल में? मगर उस औरत ने सनी को कोई जवाब नहीं दिया। तभी सनी ने उस फाइल को खोलकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो हैरानी से बोला, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये नामुमकिन है। आखिर क्या लिखा है उस फाइल में और कैसे जानती है माया सनी की गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम आपसे।